नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है नेहा नीरज किचन में। चलिए आज आप लोगों को बैंगन का भरता बना के दिखाते हैं। बैंगन को भरता बनाने के लिए आलू ले लेंगे, टमाटर, बैंगन ले लेंगे, कट कर लेंगे इसको। उसके बाद धनिया पत्ता, हरी मिर्च, नींबू, अदरक और लहसुन ले लेंगे। सभी को अच्छे से धो करके बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद कुकर में सभी को डाल करके आलू बैंगन टमाटर को इसको 3 सीटी होने तक लगा लेंगे। उसके बाद सभी को बारीक काट लेंगे। देखिए दोस्तों, 3 सीटी हमने लगा लिया है। अब इसको अच्छे से प्लेट में निकाल करके आलू को छील लेंगे, बैंगन टमाटर सभी को छील कर रख लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अदरक, हरी मिर्च, नींबू को हमने बारीक काट लिया है। अब इसको एक बॉल में आलू को मैश करके डाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरह से हम मैश कर रहे हैं। मैश करके डाल लेंगे। आलू को अच्छे तरह से मैश करके बॉल में रखना है। उसके बाद टमाटर को हमने मैश कर लिया है। बैंगन को भी हम लोग इसी मैश कर लेंगे। एक बार आप लोग बना के वो ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद जो भी हमने इधर कट करके रखा है, धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसको इसी में डाल करके उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें सरसों तेल ऐड करेंगे। सरसों तेल से भरता बहुत टेस्टी होता है, इसलिए इसमें सरसों तेल ज़रूर ऐड करें। नमक, सरसों तेल और इसको अच्छे से सबको एक साथ मैश कर लेंगे, जिससे भरता बहुत टेस्टी लगता है। और इसको मैश करने के बाद हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, जिससे और चटपटा होगा। एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप आलू पराठा, गोभी पराठा, सत्तू पराठा किसी के साथ खा सकते हैं, या चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। प्लीज़ एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों को मेरे भरता का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी लग रहा है। इस तरह से भरता बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिहार का फेमस डिश है ये। थैंक यू।